और सब ग्रंथों में श्रेष्ठ ग्रंथ हम सब भारतीयों का वो है वेद। तो वेद का पाठ तो सर्वोत्तम है, और वेद का पाठ सस्वर करे तो वो और भी उत्तम है, और यदि वेद का पाठ किसी को ना करना है तो किसी भी अच्छे ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं, फिर योग दर्शन का पाठ कर सकते हैं, गीता, रामायण, रामचरितमानस, फिर किसी भी अच्छे ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं। तो ये दोनों साथ साथ होने चाहिए, पूजा पाठ। तो यहाँ हमने तीन मंत्रों का अर्थ उस दिन देखा था, और चौथा मंत्र भी हमने शुरू किया था, इसका थोड़ा विस्तार से अर्थ नहीं किया था। स्वस्तये वायुम उपब्रवा महि सोमम, अपने कल्याण के लिए हम वायु देवता को उपब्रवा महि आह्वान करते हैं। जब आपको कोई कार्य शीघ्र करना हो और कोई कार्य कठिन है आपके लिए, आपको लगता है कि कैसे करूं इतने शॉर्ट टाइम में, जल्दी भी करना है कठिन भी है, तो ऐसे कौन से देवता हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं और बहुत शीघ्र गामी भी हैं? तो ऐसे देवता तो वायु देवता हैं। तो फिर वायु देवता का आह्वान किया जाता है कि भगवान जी हम आपको बुलाते हैं, वायुदेव आपको बुलाते हैं, वायुम उपब्रवा महि स्वस्तये, हमारे कल्याण के लिए सोमम स्वस्ति भुवनस्य यस्पति ही, यह भुवनस्य पति ही, वो जो सारे भुवन का स्वामी है। भुवन मतलब लोक, तो ऐसे माना जाता है इस ब्रह्मांड में 14 भुवन हैं, 14 लोक हैं। मुख्य रूप से तो हमने तीन लोक सुने हैं, आकाश, पृथ्वी, पाताल। और योग दर्शन में भुवन का अर्थ होता है 14 लोक हैं। 7 लोक हमारी नाभि के नीचे हैं, फिर नाभि 8वां है, और नाभि के ऊपर और 6 लोक हैं, नाभि बीच में है। और नाभि का मतलब पृथ्वी भी ले सकते हैं आप, स्थूल ब्रह्मांड में देखेंगे तो पृथ्वी बीच में है। हमारी पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं और पृथ्वी के ऊपर भी 6 लोक और हैं। तो ये योग दर्शन का सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम एक सूत्र है विभूति पाद का। उस विभूति पाद के फिर व्यास भाष्य में इन सब लोकों का, 14 लोकों का, 14 भुवन का वर्णन किया गया है, तो आप वहां भी देख सकते हैं योग दर्शन के विभूति पाद के सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम जो सूत्र है उसके व्यास भाष्य में, या व्यास भाष्य की हिंदी किसी पुस्तक में हो तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ही एक पुस्तक है पुराण विमर्श, ये है बलदेव उपाध्याय की, उसमें भी आप इन 14 भुवन का विस्तार से अर्थ पढ़ सकते हैं, कौन से 14 भुवन कौन कौन से हैं। और जब हम संध्या के मंत्र बोलते हैं ना, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, तो ये नाभि से लेके ऊपर के लोक हैं, यहाँ तक सहस्रार तक पिंड में, और ऐसे ही इस ब्रह्मांड में भी हैं। जो पुण्य आत्मा हैं, वेदांत दर्शन में वर्णन आता है कि जैसे ही इस शरीर से आत्मा निकलता है तो एक जो लोक है उसको भी वायु लोक, अंतरिक्ष लोक कहा है, वहां तक की गति सब आत्माओं की एक समान होती है, वहां तक सब जाते हैं, कोई पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है, कोई भी है, एनीवन, सब आत्माएं इस शरीर का, स्थूल शरीर का त्याग करने के बाद वहां तक तो समान रूप से जाती हैं। फिर वहां उसके बाद अपने कर्मों के अनुसार कोई एक लोक ऊपर जाता है, कोई 2 लोक ऊपर जाता है, तो कोई पुनः पृथ्वी लोक पे ही आ जाता है, तो कोई सदा सदा के लिए ब्रह्म लोक को जाता है जो मुक्त आत्माएं हैं। तो ऐसे उनकी गति वहां जाने के बाद, एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद उन सब आत्माओं की गति अलग अलग हो जाती है।
तो ये इसकी चर्चा हम करेंगे। हमारा एक कोर्स और है प्रस्थानत्रयी, तो उसमें उपनिषद, गीता और वेदांत तीन पुस्तकें हैं। तो उसमें उपनिषद, गीता पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी पढ़ा रहे हैं, वेदांत में पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पर भी आप उसको और ज़्यादा विस्तार से जान सकते हैं। तो सारे जो भुवन हैं उनका स्वामी कौन है? एक एक भुवन का भी एक एक स्वामी है और उन सब भुवनों का भी कोई स्वामी है। जैसे एक एक राज्य का भी कोई एक स्वामी होता है जिसको हम सीएम कहते हैं, और फिर सभी राज्यों का भी एक कोई स्वामी है उसको पीएम कहते हैं, और फिर इन सीएम पीएम का भी कोई एक स्वामी है उसको राष्ट्रपति कहते हैं। तो लोक में भी हमने एक ऐसी धारा बना रखी, पद्धति बना रखी है। ऐसे ही इस आध्यात्मिक जगत में भी बहुत सारे देवता हैं, उनका अपना अपना फील्ड है, फिर उन देवों का भी कोई देव है महादेव, फिर उस महादेव का भी कोई देव है परम देव। तो ऐसी व्यवस्था पिंड में भी है, ब्रह्मांड में भी है। तो यहाँ पर इस मंत्र में कहा जा रहा है, यह भुवनस्य, यह के आगे जो विसर्ग थे उनको सकार हो गया, आधस्य हो गया, तो यस्पति बन गया। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे होगा, यह पति, यह के आगे विसर्ग आ जाएंगी और पति, पति मतलब स्वामी। यह भुवनस्य पति ही, जो इन सब भुवनों का, लोक लोकांतरों का जो मालिक है, कौन है वो? वायु को ही कहा जा रहा है, क्योंकि जीवन का आधार तो वायु ही है। तो यह भुवनस्य पति ही वायुम तम स्वस्तये उपब्रवामहि, जो सब लोकों का स्वामी है वायु, और जो शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा देने वाला है, उस वायुदेव का हम आह्वान करते हैं। आपको पता है शरीर में भी हमने तो जो खाना खाया थाली भर करके, रोटी दाल चावल सलाद फल सब जल्दी 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 डाल दिया, और वो कहीं एक जगह डाल दिया आपने, तो जैसे तो डस्टबिन में डाल देते हैं। अब वो सारा का सारा इस पूरे शरीर को कैसे पुष्ट करता है, कैसे पहुंचता है? हमें तो पहुंचाना आता नहीं है, तो वो प्राण के माध्यम से ही सारे शरीर को पहुंचता है। जैसे ही हमने डाला तो प्राण ने अपना काम करना शुरू कर दिया, तो फिर उसको पूरे को आप, हमने जो डाल दिया ना उसकी फिर दोबारा घुटाई होती है, उसको बिल्कुल ऐसे मैश किया जाता है पेस्ट की तरह से, फिर उसमें थोड़ा सा अंदर से स्राव निकलते हैं तो वो थोड़ा पतला हो जाता है, फिर रस की तरह से हो जाता है, फिर वो रस आगे आंत में भेज दिया जाता है। अब आंतों की लंबाई कितनी है देखो, कितने बड़े उससे गुजरता है जो हमने खाया है, वो आते उसमें से थोड़ा 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 थोड़ा, वो आते ऐसे ऐसे करती रहती हैं हमारी, सिकुड़ती रहती हैं खुलती रहती हैं, सिकुड़ती हैं खुलती हैं, और ऐसा करते करते वो उसमें से जो रस है, उसका सार तत्व है भोजन का, वो तो ले लेती हैं। एक बिल्कुल पतली सी छलनी, झिल्ली लगी हुई है आंत के ऊपर, उस छलनी के माध्यम से फिल्टर होता है, और डबल झिल्ली लगी हुई है, और वो जैसे प्याज के ऊपर पतला सा जो होता है ना एक झिल्ली छिलका, इतनी पतली झिल्ली है वो, उसमें से फिल्टर होकर के जो सार तत्व है भोजन का, तो वो तो हमारे ब्लड में चला जाता है, और जो वेस्ट है उसको फिर बाहर निकाल देता है शरीर। तो ये सारा काम कौन करता है? और जो ब्लड में चला गया उसको फिर लीवर, हार्ट, किडनी आदि से लेकर के मस्तिष्क तक पहुंचाना, उस पोषण को, ये सारा काम कौन करता है? वायु ही करता है। तो वायु से ही ये सारे भुवन चल रहे हैं, हमारे पिंड के जितने भुवन हैं, जो सात लोक बताए, ओम भू, ओम भुव, ओम स्व, ओम मह, ओम जन, ओम तपह, ओम सत्यम। और ये बाहर का जो ब्रह्मांड है ये भी वायु से ही चल रहा है।
वायु ही बादलों को इधर से उधर, उधर से इधर, वायु ही जो समुद्र में से जो ऊष्मा बनी उसको ऊपर लेके जाता है बादल के रूप में, फिर बादल से ही कभी भारत में वो बादल बरस गए तो कभी अमेरिका में बरस गए, तो हर देश में बारिश का काल अलग-अलग है, या तो पास-पास में जो देश हैं छोटे-छोटे उनमें कोई एक खास समय है बारिश का काल, फिर दूसरे जो थोड़ी दूर हैं उन देशों में अलग बारिश काल है। तो ये कैसे बनते हैं ये अलग-अलग ऋतुएं? वायु के माध्यम से ही। वायु ही इस ब्रह्मांड में स्थित जल के कणों को जब आकाश के स्थान विशेष में ले आता है धकेल करके, तो फिर कहेंगे इस देश में वर्षा ऋतु आ गई। वायु ही जब उस सारे जल के कणों को समेट के कहीं दूसरी जगह ले जाता है तो यहाँ सूखा हो जाता है, तो फिर कहेंगे ग्रीष्म ऋतु आ गई, अब जल तत्व नहीं है इसमें। ये काम कौन करता है? ये वायु ही करता है। तो सारा ब्रह्मांड का भुवनस्य पति ही, सब भुवनों का पति, सबका स्वामी यहाँ किसको बताया? वायु को। यह भुवनस्य पति जो सारे ब्रह्मांड का, सब लोक लोकांतरों का स्वामी है, उसका मैं आह्वान करता हूँ, उपब्रवामहि, अपने समीप बुलाता हूँ। तो देखो हम श्वास तो ले रहे हैं और हम तो चलो फिर भी थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं प्राणायाम करते समय, लेकिन जो लोग योग से नहीं जुड़े हैं, जो प्राणायाम नहीं करते हैं, तो वो श्वास तो ले रहे हैं लेकिन जिंदगी भर उसको श्वास की महिमा का पता ही नहीं चलता है कि ये कितना बड़ा तत्व है और कितनी कृपा करके भगवान ने मुझे दिया है, और इस प्राण को यदि ठीक कर लिया जाए तो कितना बड़ा कल्याण हो सकता है, और इस प्राण के दुरुपयोग से कितनी बड़ी हानि हो सकती है, क्योंकि शक्ति तो है ही प्राण, सांस तो ले ही रहे हैं सब, लेकिन जिनको प्राण की महिमा का पता नहीं है वो उसी प्राण की शक्ति से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो उनको ये नहीं पता चलता है कि वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो साधक जो है वो आह्वान कर रहा है, स्वस्तये वायुम उपब्रवामहि सोमम, स्वस्ति हर मंत्र में स्वस्ति 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 स्वस्ति, इसलिए इसका नाम ही स्वस्ति वाचन हो गया, हर समय कल्याण की भावना। तो पूज्य गुरुदेव भी कई बार हमें बताते हैं कि परिणाम का विचार हमारे मन में यदि आ जाए कि इसका परिणाम क्या होगा, तो व्यक्ति फिर गलत काम से बच सकता है। गीता का 17वां अध्याय, उसमें श्रद्धा विभाग त्रय किया गया है, तीन प्रकार के वहां पर दान, तीन प्रकार के तप, तीन प्रकार के जप, तीन प्रकार का भोजन, ऐसे सब तीन तीन बताए हैं वहां पर, सात्विक राजसिक तामसिक, भोजन भी तीन प्रकार का बताया है, जिसका परिणाम हमारे शरीर को पुष्टि देना है उसको सात्विक भोजन बताया है, और जिसका परिणाम होगा रजोगुण को बढ़ाना वो राजसिक भोजन बताया है, और जिसके परिणाम में रोग दुख शोक लड़ाई झगड़ा बखेड़ा ये सब आएंगे वो तामसिक आहार है। इसलिए तामसिक और राजसिक आहार का निषेध किया जाता है साधक के लिए, उसको सात्विक आहार करने का ही उपदेश दिया जाता है। तो यहां पर भी स्वस्तये ऐसे कहा है, प्रथम शब्द ही स्वस्तये आया है, हमारे कल्याण के लिए बुला रहे हैं आपको, अकल्याण तो आपकी अनुपस्थिति में स्वतः ही हो जाएगा, अकल्याण के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, कल्याण के लिए ही बुलाया जाता है। यदि देवी देवताओं का आह्वान नहीं करेंगे, गुरुजनों का आह्वान नहीं करेंगे, अच्छी सात्विक शक्तियों का आह्वान नहीं करेंगे, तो बुरी शक्तियां तो बिन बुलाए ही आ जाएंगी, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। तो आह्वान तो अच्छी शक्तियों का ही किया जाता है। तो साधक यहाँ पर अपने कल्याण के लिए वायु देवता का, जो कि इस सारे भुवन का स्वामी है, उसका आह्वान कर रहा है। बृहस्पतिम, उसी वायु को कहा
बृहस्पतिम, ये सामान्य वायु नहीं है जो किसी ऑक्सीजन के सिलेंडर में भरी हुई है, वो वाली ऑक्सीजन वाली वायु नहीं है, ये तो प्राणों का भी प्राण वो वाली वायु है जो इस सारे जगत को जिंदा रख रही है, उस प्राण की बात कही जा रही है यहाँ पर। तो वो उस प्राण का एक विशेषण है बृहस्पतिम। बृहस्पतिम, बृहस्पति कौन है? एक तो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। बृहस्पति का अर्थ होता है ज्ञान का स्वामी, क्योंकि देवताओं का देवत्व क्या है? क्यों देवता देवता हैं? क्योंकि उनके पास ज्ञान है। असुर असुर क्यों हैं? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान की महिमा है, ज्ञान से व्यक्ति देवता बन जाता है। तो आप भी सुबह सुबह ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठ जाते हैं अपना मोबाइल खोल के, तो आप देवी बनने जा रही हैं। आधी आधी तो बन गई हैं और पूरी बन जा रही हैं। तो देवताओं में ज्ञान की प्रधानता होती है। बृहस्पति जो देवों का भी आचार्य है, गुरु है बृहस्पति, वो बृहस्पति हमारे पास आए, उसका आह्वान किया जा रहा है। तो यहाँ वायु को ही बृहस्पति भी कहा है। वायु तो क्या, ये तो परमात्मा का ही विशेषण है। वायु का मतलब कोई केवल भौतिक वायु नहीं समझ लेना, जो प्राणों का प्राण है उसको यहाँ पर आह्वान किया जा रहा है। तो वो इस सारे ब्रह्मांड का स्वामी है, यह भुवनस्य पति, परब्रह्म परमात्मा के लिए यहाँ पर वायु शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। केवल मात्र वायु पांच भूतों में से जो एक भूत वायु है उसका कथन नहीं है यहाँ पर, वो भी भगवान की ही एक शक्ति है। जो पंचभूतों में से एक भूत है वायु, वो भी भगवान की ही शक्ति है, लेकिन यहाँ उस शक्ति का भी जो मालिक है, उस वायु का भी जिसने निर्माण किया, सृजन किया, यहाँ उसकी बात कही जा रही है। यह भुवनस्य पति बृहस्पतिम, जो समस्त ज्ञान का स्वामी है। और बृहस्पति का अर्थ होता है बृहत पतिम, बृहत माने विशाल, जो इस विशाल ब्रह्मांड का स्वामी है उसको भी बृहस्पति कहा जाता है। वो कैसे आए हमारे पास? सर्वगणम स्वस्तये, हमारे कल्याण के लिए जो ज्ञान का स्वामी है वो स्वयं तो आए, लेकिन अपने साथ अपने शिष्यों को भी लेकर के आए। सर्वगणम, गण मतलब जो उसके साथ रहने वाला समूह है, गण मतलब समूह, तो पूरे समूह के साथ आए हमारे पास। अच्छाई आए, लेकिन अच्छाई कैसे आए? समस्त समूह के साथ आए। और ये होता ही है, कोई बुराई आती है तो वो अकेली नहीं आती है, वो भी समूह के साथ आती है। और व्यक्ति के जीवन में कोई अच्छाई आती है तो वो भी पूरे समूह के साथ ही आती है, ये नियम ही है। जैसे हम आप में से किसी एक बहन को बुलाएं हरिद्वार, तो वो बहन अपनी एक शक्ति के साथ आएगी या अपनी सारी शक्तियों के साथ आएगी? सारी शक्तियों के साथ आएगी। मान लो उसमें झगड़ा करने की भी शक्ति है, थोड़ा प्रेम करने की भी शक्ति है, थोड़ी सेवा करने की भी शक्ति है, थोड़ा नाराज होने की भी शक्ति है, थोड़ा द्वेष करने की भी शक्ति है, थोड़ा प्रेम करने की भी शक्ति है, थोड़ा आलस्य करने की भी शक्ति है, थोड़ी मेहनत करने की भी शक्ति है। तो ये सारी शक्तियां उसके साथ ही तो आएंगी, अच्छी या बुरी, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, इसलिए हमारे अंदर मिक्सअप है। कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। हर मनुष्य के अपने कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं, लेकिन परमात्मा में केवल गुण ही गुण है, उसमें कोई अवगुण नहीं है। तो यहाँ आह्वान किया जा रहा है कि आप अपने सारे गण के साथ आइए हमारे पास, सब शक्तियों के साथ आइए। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई भगवान जी से सांसारिक वस्तुएं नहीं मांगनी चाहिए। क्यों नहीं मांगनी चाहिए? संसार में रह रहे हैं तो संसार की वस्तुएं भी चाहिए, और भगवान वो सब दे सकते हैं, तो सब कुछ मांगे ना भगवान से।
आधा अधूरा क्यों मांगे? इसलिए हमारे ऋषियों ने तो बताया, उनसे लौकिक उन्नति के साधन भी मांगो और पारलौकिक उन्नति के साधन भी मांगो। बोलते भगवान जी से ये सुख समृद्धि ये सब क्या मांगना, क्यों नहीं मांगना? क्योंकि भगवान तो सारी समृद्धि के मालिक हैं, तो सब प्रकार की हमारे को सुख समृद्धि मिले तो इसमें क्या बुराई है? शरीर भी अच्छा हो, इंद्रियां भी अच्छी हो, स्वस्थ हो, मन भी अच्छा हो, बुद्धि भी अच्छी हो, हमारे कर्म भी अच्छे हो, हमारे रहने के स्थान भी अच्छे हो, हमारे घर की जो बेटा बेटी संतानें हैं वो भी अच्छी हो, हमारे घर में जो पशु धन है वो भी अच्छा हो, जमीन जायदाद भी अच्छी हो, तो इसमें दिक्कत क्या है? सब अच्छा हो तो हमारे आसपास आजू बाजू में रहने वाले अड़ोसी पड़ोसी हमारे गांव वाले शहर वाले प्रांत वाले सब अच्छे हों तो ये मांगने में क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, तो सभी मांगना चाहिए भगवान से। तो इसलिए यहाँ पर कहा सर्वगणम, सब गण के साथ आओ, अपने पूरे समूह के साथ आइए। बृहस्पतिम सर्वगणम स्वस्तये, हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि हमारा कल्याण सबके कल्याण में छिपा हुआ है। यदि हमने केवल मात्र अपने कल्याण के लिए प्रार्थना की और हमारे बाजू वालों का कल्याण हुआ नहीं तो वो हमें सताते रहेंगे, फिर तंग करते रहेंगे। इसलिए जो जो हमारे को दुख देते हैं ना, तो अपनी प्रार्थना में उनको भी शामिल कर लीजिए। जब आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो अपने साथ साथ उसको भी शामिल कर लो। बोल जी भगवान जी मेरे को तो अच्छा बनाना ही, इनको भी बना देना, नहीं तो ये परेशान करेंगे फिर मेरे को, तो फिर वो का वो दुख रहेगा। तो सबके कल्याण में, महर्षि दयानंद ने कहा, सबके कल्याण में अपना कल्याण भी छिपा हुआ है। सबको अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, ऐसे कहा महर्षि दयानंद ने। और कहा कृणवंतो विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाना पड़ेगा सुखी रहना है तो। अकेले आर्य बन गए, आर्य मतलब श्रेष्ठ, अकेले श्रेष्ठ बन गए और दूसरे श्रेष्ठ नहीं बने तो फिर वो तंग करते ही रहेंगे। और श्री अरविंद ने कहा कलेक्टिव रियलाइजेशन, सबको रियलाइजेशन होना चाहिए। तो बोल जी अभी तो संख्या इतनी बढ़ गई भारत की, चीन को भी पीछे छोड़ दिया, 143 करोड़ कर लो जनगणना, नहीं की थी तो ये अच्छी थी। इसलिए जिधर कहीं भी जाए पूरी भीड़ कलबला रही है। आप एयरपोर्ट पे जाएं तो भी उतनी भीड़, रेलवे स्टेशन पे जाएं तो भी उतनी भीड़, मार्केट में जाएं तो भी उतनी ही भीड़, आप कहीं विवाह शादी में जाते हैं तो भी उतनी ही भीड़, किसी कथा में जाते हैं तो भी उतनी ही भीड़, बहुत सारे कथाकार हैं सबके पास उतनी ही भीड़। तो भारत में भीड़ की पूरी भरमार है। अब इतनी भीड़ में से कितनों को आर्य बनाएं? सबको ही बनाएं, जहां तक हो सके तो प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अच्छाई के लिए प्रार्थना की है, बृहस्पतिम सर्वगणम स्वस्तये, हमारे कल्याण के लिए आप अपने पूरे समूह के साथ आइए। आदित्या स्वस्तये आदित्यासो भवन्तु नः, आदित्यासह, आदित्य कहते हैं सूर्य को, सूर्य का मतलब है ज्ञान, और आदित्यासह मतलब सूर्य से जो उत्पन्न हुआ, ज्ञान से जो उत्पन्न हुआ। तो ज्ञानी तो गुरु हैं, और गुरु ज्ञानी गुरु से जो उत्पन्न हुए वो उनके शिष्य हैं। तो यहाँ पर कहा आदित्यासह सर्वगणम स्वस्तये, हमारे कल्याण के लिए आप भी आए, अपने पूरे गण को भी लेकर के आए, और जो ज्ञानी पुरुष हैं और ज्ञानी पुरुष से उत्पन्न होने वाले जो उनके शिष्य गण हैं वो सब भी स्वस्तये, हमारे कल्याण के लिए भवंतु, वो भी हमारा कल्याण करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए भवंतु होवें, वो भी सहायता करें। तो यहाँ पर भावार्थ ये ही है कि जो श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष हैं वो भी हमारे लिए कल्याणकारी होवें, वो भी सहयोग करें हमारा कल्याण करने में,
और उन श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषों के जो आराध्य देव हैं, परमात्म देव हैं, ब्रह्म देव हैं, बृहस्पति हैं, जो वो भी हमारा कल्याण करें। तो हर दृष्टि से भगवान हमारा कल्याण करें और हमारे साथ साथ सबका कल्याण करें। इसलिए भारत के ऋषियों ने ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रार्थना सिखाई अपने संतानों को, हम सबको, कि आप कलेक्टिव प्रार्थना किया करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, मैं सुखी हूं, ये अधूरी प्रार्थना है। सब सुखी हों ये पूरी प्रार्थना है। सब सुखी होंगे तो सब में मैं भी आ गया, मैं भी शामिल हो गया, तो मैं भी सुखी, सब भी सुखी। तो इसलिए जिसने दुख दिया है ना, उसके लिए भी प्रार्थना किया करो। तो जो उसको ही तो दंड देना है, उसके लिए प्रार्थना करें तो फिर तो प्रार्थना का मतलब ही कुछ नहीं रह जाएगा। दंड ही उसको देना है, दंड तो परमात्मा दे देगा, या तो उसके कर्म ही उसको दे देंगे। आप तो उसके लिए भी प्रार्थना किया करो, तो फिर अपने लिए कल्याणकारी होगा वो। अपना कल्याण इसी में है कि हम दुख देने वाले के लिए भी प्रार्थना करें, बस पूरी हो जाती है साधना। बात तो छोटी सी है ये, लेकिन इतना सा कर लिया तो साधना पूरी। फिर वेद पढ़ा या नहीं पढ़ा, दर्शन उपनिषद पढ़े या नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना सा काम हो जाए। जिसने दुख दिया है उसको अपनी प्रार्थना में हम शामिल कर लें, साधना पूरी हो गई और भगवान जी मिल जाएंगे। कितना सरल उपाय है, सब कुछ मिल जाएगा, बस इतनी सी साधना करनी है। और क्यों करनी है? अपने भले के लिए करनी, उनके भले के लिए नहीं करनी, उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हम। अपनी प्रार्थना में उनको शामिल करके उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। बात छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी है। कहने में बहुत छोटी है, करने में बहुत बड़ी है, लेकिन जिसने ऐसा कर लिया बस उसकी साधना पूरी हो गई। आप भी करके देखना, मैं भी करके देखूंगी। विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देवा अवंतूरि भव स्वस्तये स्वस्तिनो रुद्रः पात्वंहसः। तो समय हो गया है, तो इस मंत्र को फिर हम कल ही पढ़ेंगे। आज कितनी तारीख हो गई? 6। हाँ तो बस, तो कल कल करवा देती हूँ, तो परसों तो आप हमारे पास आ जाएंगे, आप में से ज़्यादातर, और जो बचेंगे तो देखते हैं क्या प्रबंध होता है। तो टाइम रहेगा तो चलती रहेगी क्लास, नहीं होगा या तो आधा घंटा कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर रामनवमी के बाद दोबारा चलाएंगे। वैसे तो कौन सी क्लास है आज? 34। तो कोर्स के हिसाब से तो 35, तो फिर तो एक ही क्लास बची, वो तो मैं कल ही पूरी कर दूंगी। तो आपका क्रेडिट तो 3 क्रेडिट था, वो तो पूरा हो गया कोर्स तो आपका। लेकिन आप कहोगे जी अभी तो स्वस्ति वाचन तो पूरा हुआ नहीं, अभी तो बहुत सारे सूक्त भी रह गए। तो हम इसको कोई बात नहीं है, क्रेडिट के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, आगे भी एक क्लास चलती ही रहेगी। सुबह सुबह का जो एक सत्संग है, तो ये जब तक भगवान जी की कृपा है, आप सबका जब तक पुण्य है, तो आपके पुण्य का फल हमें भी मिलता रहेगा। तो इस क्लास को आगे भी जारी रखेंगे। तो आज यहीं विराम लेते हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। आपका दिन पवित्र हो, शुभ हो, आपका खूब अच्छा भाग्य बने आज के दिन, इन्हीं पवित्र कामनाओं के साथ। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।